हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 हिस्ट्री। टुडे वी आर डूइंग द एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 4, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर ब्रिटिश। इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। सो ओपन द पेज नंबर 31 ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन, एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ यूनिक फीचर ऑफ द विलेज इकोनॉमी वॉज द यूनियन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डैश इंडस्ट्री। तो सबसे जो यूनिक फीचर था, ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, पेज नंबर 27 पे आप देख सकते हैं। पेज नंबर 27 पे आप देखिए, पेज नंबर 27 पे हमने देखा, पेज 27 पे पैरा नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3, अ यूनिक फीचर ऑफ द विलेज इकोनॉमी वॉज द यूनियन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी, यानी कि हमारा जो विलेज इंडस्ट्री है, इनका जो यूनिक फीचर था, उसका मेन जो यूनिक फीचर था वो क्या था, एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो फर्स्ट जो आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन है, उसका आंसर आएगा हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट्स वर मेनली पेड फॉर इन सिल्वर। जितने भी एक्सपोर्ट किए जाते थे इन द ओल्डन डेज और इन द ब्रिटिश टाइम पीरियड, बिफोर द ब्रिटिश टाइम पीरियड, जितने भी एक्सपोर्ट्स किए जाते थे, उनका पेमेंट किस में होता था, उनका पेमेंट होता था या तो गोल्ड में या फिर सिल्वर में, क्योंकि उस समय जो हमारे पास करेंसीज थी वो नहीं थी, तो हमारे जो पेमेंट्स हैं वो होते थे सिल्वर और गोल्ड में। तो सेकंड का आंसर आएगा आपका गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ईस्ट इंडिया कंपनी सोल्ड इंडियन प्रोडक्ट्स इन द डैश कंट्रीज एंड ब्रिटिश कंट्रीज एट मच हायर रेट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने इंडियन प्रोडक्ट्स किन कंट्रीज को बेचती थी, एक तो ब्रिटिश कंट्रीज और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को। यूरोपियन कंट्रीज को जाता था सबसे पहले हमारा जो ब्रिटिश और यूरोपियन कंट्रीज, तो इसके थर्ड का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा यूरोपियन कंट्रीज। नेक्स्ट वन इज, टू चेक द इनफ्लो ऑफ, ये थर्ड तो बताने की नीड नहीं है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज हम जानते हैं सबसे पहले कि यूरोपियन कंट्रीज में ही हमारा माल जो था वो सबसे पहले जाता था। आप देख सकते हैं इसको, यूरोपियन कंट्रीज को हमारा जो माल था वो भेजा जाता था, मेनली आपका जो ये रहा पेज नंबर 27 पे, एडवेंस ऑफ ब्रिटिश एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट में आप देखेंगे तो इसमें आपको ये मिल जाएगा यूरोपियन एंड ब्रिटिश कंट्रीज। ये फिफ्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन में आपको ये दे रखा है यूरोपियन एंड ब्रिटिश कंट्रीज, तो इसका आंसर यूरोपियन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनफ्लो ऑफ डैश इनटू इंडियन डैश इनटू ब्रिटेन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द टैरिफ रेट्स एंड कस्टम ड्यूटीज। किसके इनफ्लो के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैरिफ एंड कस्टम ड्यूटीज़ इंक्रीज कर दी थी, तो वो किसके लिए की थी टैरिफ एंड कस्टम ड्यूटीज़, इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए। किसके लिए की थी, इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए। इसको आप पेज नंबर 28 पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देवन नीचे दिया हुआ है कैलिको एक्ट के नीचे पेज नंबर 28 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था कौन सी सेंचुरी में, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में, यूरोप में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आ जाइए, पेज नंबर 28 पे आप देख लीजिए,
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मैप के जस्ट ऊपर गिवन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच स्टार्टेड इन यूरोप, आंसर आएगा आपका यूरोप। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ स्टार्ट हुआ था? यूरोप में। Now next question is, Dash found its biggest market in England. Dash found in biggest market in England. किसको इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट मिला? टी को। ये आप आ जाइए टी में, आप देख सकते हैं, देखिए पेज नंबर 29 पर राइट साइड में अपर, ये देखिए इट फाउंड इट्स बिगेस्ट मार्केट इन इंग्लैंड, थर्ड लाइन है राइट साइड में, थर्ड लाइन जो आपको गिवन है दिख रही होगी आपको यहाँ से, तो ये क्या है पेज नंबर 29 पर इस पिक्चर के जस्ट ऊपर, तो टी को सबसे बड़ा मार्केट मिला अपना इंग्लैंड में, तो 6 का आंसर आ जाएगा आपका टी। ये हो गए हमारे टिक द करेक्ट आंसर। अब एक्सरसाइज बी की हम बात करते हैं, दोज आर फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज बी। फिलअप्स या फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट फिलअप इज अ यूनिक फीचर, सॉरी द आर्टिशंस प्रोड्यूस्ड वेरियस काइंड्स ऑफ क्लोथ एंड इम्प्लीमेंट्स, फर्नीचर, ज्वेलरी एंड वेसल्स। जो आर्टिशंस थे वो कौन कौन सी काइंड के क्लोथ्स वेसल्स, ये आपको गिवन है पेज नंबर 27 पर। इसमें आप पेज नंबर 27 पर जो सेकंड पैरा है उसका स्टार्टिंग से देख लीजिए, द आर्टिशन प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ क्लोथ इम्प्लीमेंट्स फर्नीचर ज्वेलरी एंड वेसल्स, तो इसका आंसर आएगा आपका वेसल्स, VESSELS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया फार एक्सीडेड द वैल्यू ऑफ डैश इनटू इंडिया। एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू थी इंडिया में फार एक्सीडेड, किससे ज्यादा थी? इम्पोर्ट्स से ज्यादा थी। एक्सपोर्ट की वैल्यू इम्पोर्ट से बहुत ज़्यादा थी इंडिया में उस समय जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर नहीं आए थे, तो सेकंड का आंसर आ जाएगा आपका इम्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी थर्ड क्वेश्चन इज, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पर्टिकुलरली डैश बिकम वेरी पॉपुलर abroad and their demand went on increasingly. तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट, पर्टिकुलरली कौन से हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस थे, तो सबसे ज़्यादा जो फेमस थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट वो कौन से थे? हमारे टेक्सटाइल्स। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 27 पर, इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल्स, पेज नंबर 27 पर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश वाले पैरा में राइट साइड में फर्स्ट पैरा है, तो एडवेंट ऑफ ब्रिटिश के अंदर ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर वेरी पॉपुलर एंड इन द हाई डिमांड, और यूरोप में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो ये आज क्या आएगा आपका टेक्सटाइल्स, आंसर नंबर थर्ड इज टेक्सटाइल्स। आंसर नंबर फोर्थ, द वर्ड डैश इज यूज्ड फॉर क्लोथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन, ये मैंने आपको बताया भी था, वो वाला क्लोथ जिसमें छोटे छोटे फ्लावर के डिज़ाइंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं छींट, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? छींट, तो इसमें आ जाएगा छींट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्वॉर्ड्स मेड ऑफ डैश स्टील हैड वेरी शार्प एजेस। स्वॉर्ड, तलवारें जो होती थी वो कौन सी स्टील से बनती थी जिनकी बहुत ही तेज़ जो नुकीली धार होती है वो होती थी, तो कौन सी स्टील से बनती थी? वो बनती थी वुड्स स्टील से। कौन सी स्टील से बना करती थी? वुड्स स्टील से। मैनी ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड बाय द इंडियन क्राफ्ट्समैन
वर डिजाइंड फॉर द लोकल एरिस्टोक्रेसी। बहुत सारे, फिफ्थ का आंसर आ गया आपका वूट्स, WOOTZ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनी ऑफ द प्रोडक्ट, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इंडियन क्राफ्ट्समैन बनाते थे और डिज़ाइन करते थे फॉर द लोकल, कौन से किसके लिए, लोकल एरिस्टोक्रेसी के लिए। ये आपको यहाँ मिल जाएगा, देखिए पेज नंबर 30 पर, ये जो आपको केस स्टडी गिवन है, केस स्टडी का सेकंड पैरा, मैनी ऑफ द प्रोडक्ट मेड बाय द इंडियन क्राफ्ट्समैन वर डिज़ाइन फॉर द लोकल एरिस्टोक्रेसी। तो सिक्स्थ का आंसर आ जाएगा आपका एरिस्टोक्रेसी, ARISTOCRACY, एरिस्टोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉफी सिंकोना एंड रबर वर सम आइटम्स ऑफ डैश इंडस्ट्री। देखिए कॉफी सिंकोना और रबर ये कौन सी इंडस्ट्री के आइटम्स हैं, प्लांटेशन इंडस्ट्री के, तो ये आ जाएगा आपका प्लांटेशन, PLANTATION, प्लांटेशन इंडस्ट्री। दीज आर द फिलअप्स वी हैव डन। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज सी, आंसर द क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ये सभी ने कर लिया होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे इजीली हो जाए आपका। सेवेंथ में जो आंसर है वो प्लांटेशन है, PLANTATION, एंड आई थिंक ऑल ऑफ थिंग्स आर विजिबल क्लियरली। सो नाउ वी आर अप टू द थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड एक्टिविटी विच इज आंसर्स इन ब्रीफ। तो फर्स्ट आंसर, व्हाट वॉज द यूनिक फीचर ऑफ द विलेज इकोनॉमी, विलेज इकोनॉमी का यूनिक फीचर क्या था, तो इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 27 पे। आंसर नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 पे आप आ सकते हैं। अब पेज नंबर 27 पे आप देखिए, इसमें पेज नंबर 27 पे जो सेकंड पैरा है, सेकंड पैरा में थर्ड लाइन जो आपको दिख रही है, थर्ड लाइन यूनिक फीचर ऑफ द विलेज, थर्ड लाइन है सेकंड पैरा की, सेकंड पैरा आ यूनिक फीचर से लेकर आपको यहाँ पे लिखना है, यूनिक फीचर से और एक्टिविटी तक, पार्ट टाइम एक्टिविटी। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, सबको मिल गया होगा, पेज नंबर 27 सेकंड पैरा लाइन नंबर थर्ड, आ यूनिक फीचर से लेकर पार्ट टाइम एक्टिविटी तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वॉज कैलिको एक्ट, कैलिको एक्ट क्या था, कैलिको एक्ट देखते हैं हम, पेज नंबर 31 पे, पेज नंबर 31 पे आ जाइए कैलिको एक्ट के लिए। पेज नंबर 31 और पॉइंट, पेज नंबर 31 पर पॉइंट 2, अ लेजिस्लेशन बैनिंग द यूज ऑफ शीट्स अ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड वॉज कॉल्ड कैलिको एक्ट। ये जो आपका सेकेंड, यानी पेज नंबर 31 पर 2 पॉइंट जो दे रखा है, सेकेंड पॉइंट जो दे रखा है वो आपको कंप्लीट लिखना है, अ लेजिस्लेशन से लेकर, अ लेजिस्लेशन से एक्ट तक कंप्लीट। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड अ रिवॉल्यूशन इन टेक्सटाइल वीविंग स्टार्ट इन इंडिया. पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पर आ जाइए. आंसर नंबर थर्ड के लिए पेज नंबर 29. पेज नंबर 29 पर इसका आंसर आप देखिए सेकंड पैरा में. पेज नंबर 29 पर सेकंड पैरा है 3 लाइंस का. अ रिवॉल्यूशन इन टेक्सटाइल वीविंग वॉज ब्रॉट बाय द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड ऑकराइट. बल्क ऑफ द कॉटन नाउ बी वूवन एट 1 इंटेंस. ये आपका कंप्लीट आएगा. तो अ रिवॉल्यूशन से सेकंड पैराग्राफ, अ रिवॉल्यूशन से लिखना है आपको इंस्टेंस तक. ये हो गया आपका आंसर नंबर थर्ड. पेज नंबर 29 पर सेकंड पैरा 3 लाइंस का है, वो कंप्लीट लिखना है. नेक्स्ट है हाउ मेनी जूट मिल्स एंड कोल माइंस वर देयर इन इंडिया अराउंड 1880s. व्हाट गेव द वुड्स स्वॉर्ड्स फ्लोरिंग वाटर पैटर्न. तो इसमें लिख लीजिए आप पेज नंबर 29 पे ही अगेन. आंसर नंबर फोर्थ, पेज नंबर 29. ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज का सेकंड पैरा, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज में सेकंड पैरा आपको गिवन है. अराउंड 1880s देयर वर 20 जूट मिल्स एंड 56 कोल माइंस इन इंडिया. तो अराउंड 1880s से कोल माइंस इन इंडिया लिख लीजिएगा उसको. कोल माइंस इन इंडिया. आफ्टर दैट आ जाइए पेज नंबर 20 पेज नंबर 30 पर. फोर्थ का ही आंसर है. फिर पेज नंबर 30 पर ऊपर ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट पैरा में ही मिनट कार्बन, माइन्यूट कार्बन तक, माइन्यूट कार्बन से और पैटर्न तक, माइन्यूट कार्बन से और पैटर्न तक आपको करना है इस पैरा को कंप्लीट. ये हो गया आपका आंसर नंबर फोर्थ. नाउ आंसर नंबर फिफ्थ इज डिफाइन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पेज नंबर 30. पेज नंबर 30 पर आपको दिख रहा होगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. लास्ट लास्ट में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में. यहाँ से मार्क करिए द प्रोसेस ऑफ डिसरप्शन. इसको मार्क करना है आपको द प्रोसेस ऑफ डिसरप्शन से और ये केस स्टडी से पहले तक इंडियन इकोनॉमी. ये हो गया आपका आंसर नंबर 5. नेक्स्ट आंसर नंबर 6. आंसर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, व्हाट आर द टाउन्स. क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम सम टाउन्स दैट वर फेम्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल्स. सो कौन कौन से टाउन्स थे जो कि अलग अलग टाइप की टेक्सटाइल्स के लिए फेमस थे. तो इसका आंसर आ जाएगा आपका पेज नंबर 31 पे. पेज नंबर 31 पे लिख लीजिए इसका आंसर. लास्ट जो पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट्स टू रिकॉल है, रिकैप जो आपको गिवन है पीछे, रिकैप जो दे रखा है इसका लास्ट पॉइंट. टाउन्स लाइक कांजीपुरम, मुर्शिदाबाद, सूरत, बनारस, ढाका वर फेम्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल्स. तो लास्ट पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिएगा. सो दीज आर द एक्सरसाइज ए बी एंड सी. सो यू हैव टू डू दिस टुडे फॉर टुडे होमवर्क.
एंड अबाउट एक्सरसाइज डी वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो दीज क्वेश्चंस डिटेल्ड क्वेश्चंस सो थैंक यू हैव अ नाइस डे.